अरब क्षेत्र अमेरिका ने कई सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। सीरिया में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं और यहाँ 1 से 2 हजार तक सैनिक तैनात हैं। सीरिया के ठिकानों पर इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले शुरू हो चुके हैं। इराक में अमेरिका के 2.5 से 3 हजार सैनिक तैनात हैं और ये भी अरब के अमेरिका विरोधी गुटों के निशाने पर हैं। इसके अलावा कुवैत में अमेरिका के 3 से 4 हजार सैनिक तैनात हैं और युद्ध छिड़ा तो ये भी मिलिटेंट्स के निशाने पर होंगे। बहरीन में अमेरिका ने 7 हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं। कतर में अमेरिका के 13 हजार सैनिक तैनात हैं। वहीं यूएई में के सैन्य ठिकानों पर 5 हजार अमेरिकी जवान तैनात हैं। यहाँ हूती ग्रुप का खतरा भी मंडरा रहा है। ओमान में अमेरिका ने 500 सैनिक तैनात कर रखे हैं। युद्ध की आग और विरोध प्रदर्शन से सुलग रहे जॉर्डन में अमेरिका के 3 हजार सैनिक हैं और यहाँ भी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब में अमेरिका ने करीब 4,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं और इस वक्त अरब के ज्यादातर देश अमेरिका के विरोध में हैं। ये बगदाद के यूएस विक्ट्री बेस पर मिसाइल हमले की तस्वीरें हैं। जिससे अमेरिका के सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लेकिन सीरिया के डेर ए जोर में हथियारबंद संगठन बड़ा हमला करने में कामयाब रहे। इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले में कॉनिको बेस के नजदीक एक गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ रहे हैं और वजह है इसराइल के गाजा पर हमले। इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2 नसीहतें जारी की। The risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world, in the Indo-Pacific, in the Middle East, especially in the Middle East. Iran is supporting Russia's in Ukraine, and it's supporting Hamas and other terrorist groups in the region. Justice must be done. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. बाइडेन जिस गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं वो गलती किसी देश से नहीं बल्कि आतंकी संगठनों से जंग लड़ने की गलती है। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी लेकिन तालिबान को रोक नहीं पाए। ऐसी ही जंग के हालात इसराइल के सामने हैं। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन के जखीरे का प्रदर्शन करते हुए जंग की व्यूह रचना पूरी कर ली है। ईरान ने घोषणा कर दी है कि इसराइल की 3 तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। दक्षिण से इसराइल पर हूती हमला करेंगे, पूर्व से इसराइल सीरियाई और इराकी संगठन हमला करेंगे, उत्तर के लेबनन बॉर्डर से हिजबुल्ला हमले को तैयार है। हूती के पास 1930 किलोमीटर रेंज तक हमला करने वाली मिसाइल है। हिजबुल्ला के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो भूमध्य सागर में इजरायली नौसेना के युद्धपोत ध्वस्त कर सकती हैं। इसराइल के सामने संकट है कि उसकी जंग किसी देश के साथ नहीं बल्कि अलग अलग देशों से चलाए जा रहे आतंकी संगठनों से है। इसीलिए बाइडेन ने सलाह दी है कि वो अमेरिका जैसी गलती ना करे। लेबनन, सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर ये संगठन घात लगाए बैठे हैं। और इसीलिए इसराइल को गाजा के साथ साथ वहां भी सेना भेजनी पड़ी है।
अरब में सक्रिय हथियारबंद संगठनों को ईरान ने इतनी ताकतवर मिसाइलें दे दी हैं जितनी छोटे देशों की सेना के पास भी नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने अमेरिकी सैन्य बेड़े पर हमला करवाकर संकेत दे दिया है कि गाजा पर हमला हुआ तो अमेरिका और इसराइल दोनों के खिलाफ कोई देश नहीं बल्कि अरब के हथियारबंद संगठन युद्ध छेड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष।